इस साल का यानी कि 2024 की सबसे पहली इंस्टॉलमेंट आया था 28 फरवरी 2024 की डेट पर उसके बाद इंस्टॉलमेंट जारी हुआ है पांच मार्च 2024 की डेट में

15 मार्च 2024 की डेट पर उसी डेट में आपको पैसा मिलेगा इसका क्या गारंटी है ऑलरेडी किसान सम्मानित योजना का तरफ से तीन बार इंस्टॉलमेंट जारी हो चुका है ये तीनों में से एक बार भी मुझे पैसा नहीं मिला यानी कि एक दो इंस्टॉलमेंट आके बाकी इंस्टॉलमेंट आना बंद हो चुका है 15 मार्च की डेट पर जो इंस्टॉलमेंट जारी होगा ये इंस्टॉलमेंट मुझे मिलेगा इसका क्या गारंटी है अगर आप ये किसान है आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं मैंने इसी वीडियो में जो भी जानकारी दूंगा अगर आप सभी का सेम टू सेम उसी तरह होगा तो आपको किसान सम्मान निधि का तो पंद्रह मार्च को पैसा मिलेगा और पंद्रह मार्च को पैसा पाने के लिए सभी लाभार्थियों को एक काम जरूरी करना होगा क्या काम है यह भी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे यहाँ हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है दोस्तों दोस्तों चैनल को को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कीजिएगा कीजिएगा के साथ शेयर सबसे पहले सबसे लाभार्थी को किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट पर आना होगा वेबसाइट पर आने के बाद नीचे तरफ आप करना होगा जिसमें आपको फार्मर कॉर्नर पर आके ना और स्टेटस पर क्लिक करके आपका अपने बेनिफिशियरी स्टेटस को ओपन करना होगा बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करने के लिए सिंपली आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप बेनिफिशियर को निकाल नहीं सकते रजिस्ट्रेशन नंबर डालने रे के बाद कैप्सा डाल के गेट ओटीपी वेरिफिकेशन करके आप बेफिशियर रे को ओपन कर लीजिएगा पर आने के बाद सबसे पहले मिलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन में इं� आने के बाद इसमें आपको मोबाइल नंबर शो करना मैंडेटरी है अगर आपका मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहे तो आपको किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा नहीं मिलेगा अभी आपको जाना होगा एलिजिबिलिटी इलिजिबिलिटी पर इलिजिबिलिटी इजरास में लैंड सेटिंग सर्टिंग आधार सर्टिंग तीन और सही करके रखना होगा अगर आपका लैंड सेटिंग की बीमार है तो आपको जमीन की जो भी रिकॉर्ड है सभी लेके आपको एग्रीकल्चर में जाके वेरिफिकेशन करना होगा उसके बाद उसके तो ही आपका लैंड सेटिंग नौ से यस होगा उसके बाद सवाल उठाए तो ई केवाईसी की अगर आपने ई अभी तक नहीं किया ई केवाईसी बता रहे तो आपको सीएससी सेंटर में जाके ई केवाईसी बायोमेट्रिक को अपडेट करके करना होगा उसके बाद आ रहे हैं आधार अकाउंट यानी कि अकाउंट सेटिंग और आधार सेटिंग आधार सेटिंग और अकाउंट सेटिंग करने के लिए अपने आधार और पैन कार्ड से पोस्ट ऑफिस पर खाता खोल के आधार सेटिंग और अकाउंट सेटिंग को यस करा सकते हैं ये आधार सेटिंग नो से यस आप अदर बैंकों में करने से भी यस हो जाएगा उसके बाद जाना होगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर आपका एफ टीओ प्रोसेस नो या यस इतना इतना मतलब नहीं है और अगर आपका इसमें कुछ रीजन बता रहे तो आपको ईस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर डीबीटी लिंक करना मैंडेटोरी है आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता होनी चाहिए यानी कि पोस्ट ऑफिस पर खाता होनी चाहिए अगर आपका पोस्ट ऑफिस पर खाता है इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा ये ऑटोमेटिकली सर बार में आके सही हो जाएगा लेकिन लैंड और सीडिट और आपका वाली ये दो कैटेगरी लाभार्थी को वेरिफिकेशन करना होगा इस टॉपिक का ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा अभी हम साल उठाए तो जिन लाभार्थी का एफ टी ऑफ्रोसित नो और ई है उन सभी लाभार्थी को इस बार पैसा पंद्रह तारीख को मिल जाएगा इसके लिए आगे और भी प्रोसेस है अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से पी के लाइव स्टार्ज को चेक करना होगा क्योंकि लास्ट दो दिन में बहुत सारे लाभार्थी का पी एफ एम तरफ से रिजेक्ट कर दिए अगर आपका भी रिजेक्ट हो चुका है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा पहले एक्सेप्ट था लेकिन सात मार्च से लेकर आठ मार्च तक बहुत सारे लाभार्थी का पी रिजेक्ट हो चुका है अभी आप पी लाइव स्टार्ज को जरूर चेक कीजिएगा FMS के लाइव चेक करने के लिए सभी लाभार्थी को यह डायरेक्ट लिंक पर आना होगा यह डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आप सभी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप ग्रुप पर कॉमेंट कर दीजिएगा अभी आपको क्या करना होगा यह चार्ज वाली ऑप्शन पर टच करना होगा उसके बाद इसमें जो भी पेन दिखाई दे रहे है पेन पर क्लिक करना होगा उसके बाद इसमें जो भी स्टार दिखाई दे रहे स्टार को हटाना होगा स्टार को हटा के रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करके आपको चार्ज करना होगा चार्ज करने के बाद पीएफएमएस एफ की लाइव इंच ओपन हो चुका है जिन जिन लाभार्थी का 2022 और 21 में पीएफएमएस एफ की तरफ से एक्सेप्ट हुआ है उन बहुत सारे लाभार्थी का रिजेक्ट हो चुका है अगर आपका 2023 हज़ार तेईस इसमें कुछ एक्सेप्ट बता रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका इसमें रेस्पॉन्स जो भी हो लेकिन इसमें रेस्पॉन्स की जगह बता रहे हैं एक्सेप्ट की जगह रिजेक्ट तो आपको क्या करना होगा फिर से इसको एक्सेप्ट कराना होगा एफ एम एस वाली ऑफिसियल लाइव स्टाइल आई बटन पर दूंगा। अगर आपका इसमें रिजेक्ट आ चुका है तो अभी वेबसाइट पर जाना होगा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है आपको वीडियो का में मिलेगा तो दोस्तों आप लोग डायरेक्ट पी एफ एम एस डॉट डॉट इन चार्ज करके भी ये वेबसाइट पर आ सकते है उसके बाद सभी को ये जो थ्री लाइन वाली ऑप्शन है इसी पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपके सामने और एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको पेमेंट की जगह क्लिक करना होगा उसके बाद आपके सामने इशराज टीकार पर क्लिक करना होगा करने के बाद आपके सामने और एक पेज ओपन होगा दोस्तों वीडियो का अंत तक रहिएगा इसी वीडियो में आपको और एक प्रोसेस बताऊंगा और एक वेरिफिकेशन करके बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसे बहुत सारे किसी विभाग है जहां पर सही किसान होने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है करके बहुत एप्लीकेशन दर्ज हुआ है यानी कंप्लीट दास हुआ है इसके लिए सभी को यह बताया जाएगा अगर आपका सभी को ऐसा सही होगा तो आपको 100 परसेंट पंद्रह मार्च को पैसा दिया जाएगा इसलिए मैं आपको यह वेरिफिकेशन करके बता रहा हूं जो हमारे तरफ से डिस्कस हुआ था अभी आपको क्या करना होगा कैटेगरी की जगह पीएम किसान सेलेक्ट करना होगा पीएम किसान सेलेक्ट करने के बाद डीबीटी और इसमें दो ऑप्शन मिलेगा अगर आपको इंस्टॉलमेंट नहीं आ रहा यानी कि नहीं मिला तो आपको इसमें डीबीटी यानी कि बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा वैलिडेशन पर क्लिक उसके बाद आप पेमेंट को जरूर चेक कीजिएगा अगर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो आपको पैसा मिलेगा अगर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ रहा है तो दो दिन में पैसा मिलेगा अगर आपका पेमेंट पेंडिंग आ रहा है तो एक दिन में पैसा मिलेगा अभी आपको यह भी बताना होगा आपका पेमेंट के जगह क्या स्टेटस बता रहे हैं पेमेंट स्टेटस के बारे में मैंने इसमें जानकारी नहीं दूंगा सेम प्रोसेस आप पेमेंट स्टेटस को भी निकाल सकते हैं तो इसमें बेनिफिशरी वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद एंटर एप्लीकेशन आई डी के जगह रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करने के बाद इसमें जो भी कैप्सा दिखाई दे रहे हैं सेम कैप्स वर्ड वेरिफिकेशन की जगह डाल के आपको चार्ज पर क्लिक करना होगा चार्ज पर क्लिक करने की बात फिर से डिटेल्स ओपन हो जाएगा बेनिफिशरी डिटेल्स पर आने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इस पर है, रिजेक्ट है या है। अगर आपका इसमें अपडेट आ रहा है तो आपको ये वाली सही है अगर आपका रिजेक्ट आ या आ उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया। आपको इसके लिए सही कैसे करना होगा मैंने वीडियो आई बटन पर डाल दूंगा में जाके हमारे पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा जहां पर आपको थामनेल मिलेगा या रिजेक्ट क्रिएटेड से कैसे करा सकते है तो दोस्तों अगर आपका इसमें अपडेट आ रहा है तो आपको ये वाली तक सही है अभी आपको जाना होगा पीएम किसान सम्मान निधि

यानी कि इतना तक आपको पंद्रह मार्च को हंड्रेड तो परसेंट मिल जाएगा अगर पंद्रह मार्च को नहीं मिला उसके बाद भी आपको हंड्रेड परसेंट मिलेगा क्योंकि आज का आपका नाम पर इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है इसके लिए अभी आपको पीएम किसान के पोर्टल पर जाना होगा पीएम किसान की पोर्टल पर आने के बाद सभी लाभार्थी को नीचे तरफ स्कॉल करके फार्मर कॉर्नर वाली ऑप्शन पर फिर से जाना होगा उसके बाद और नीचे जाना होगा जिसमें आपको वेलेंटरी सिलेंडर और पीएम किसान बेनिफिट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना होगा मैंने आप सभी का सिलेंडर नहीं करने वाला का अंत तक देखिएगा और मैंने जैसे इन्फॉर्मेशन दूंगा वैसे फ्लो कीजिएगा क्योंकि मैंने का रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के आपको लाइव दिखाऊंगा आपको उसी तरह करना है अगर आपको चेक करना है तो नहीं तो आप स्टेटस मत चेक कीजिएगा क्योंकि इसमें गलती से थोड़ा मिस्टेक करने से आपका सिलेंडर हो जाएगा एम किसान की जो बेनिफिट है यह बंद हो जाएगा हमेशा के लिए आप दोबारा ये स्कीम को सालों नहीं करा सकते इसके लिए मैंने जैसे बताऊंगा वैसे आप फॉलो कीजिएगा अभी आपको क्या करना होगा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें पेश करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करने के बाद इसमें जो भी कैप्सा कैप्सा डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा ओटीपी पर क्लिक करने के बाद अपने रजिस्टर आधार नंबर से साथ जो भी आधार और मोबाइल नंबर लिंक किया था उसके में से ओटीपी मिलेगा सिंपली इसमें ओटीपी टीपी पेश करना होगा ओटीपी पेश करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा अगर आपका ये कहना है कि मैंने ओ डालने से मिला सिलेंडर होगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा इसमें ओ टी पी डाल के वेरीफाई करने से सिलेंडर नहीं होगा आप आसानी से यानी कि इसी से बिना आप बिना टेंशन की ओ टी पी डाल के वेरीफाई ओ टी पी पर क्लिक कर सकते उसके बाद आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका डिटेल्स ओपन हो जाएगा डिटेल्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें फार्मर की यानी किसानों का डिटेल्स मिलेगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको फॉलो करना होगा इंस्टॉलमेंट प्रोसीड और बेनिफिशरी इचदास और एक बात है दोस्तों ये जो नीचे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ये बॉक्स के आपको राइट right, जो ग्रीन सिग्नल आ रहा है इसको आपको क्लिक करके नो no कर दीजिएगा ये करने से क्या होगा सिलेंडर अभी नहीं हो सकता है, है या रिजेक्ट है अगर आपका एक्सेप्ट है तो आप टेंशन नहीं है अगर आपका रिजेक्ट हो तो टेंशन है इसके लिए वेरीफाई करना होगा कॉमेंट करके बताना होगा अगर आपका पेंडिंग है कितने दिनों से पेंडिंग है यह भी मुझे बताना होगा अभी आपका आ रहा है इसमें इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इंस्टॉलमेंट आपका इसमें कितने ही बता रहा है अगर आपका ब्लैंक आ रहा है तो आपका स्टेटस पर आप तक एक भी इंस्टॉलमेंट रिलीज नहीं हुआ है अगर जितने जितने नंबर का इंस्टॉलमेंट इसमें लिखा होगा उतने नंबर का इंस्टॉलमेंट अब तक अभी आपको मिल चुका है तो मैंने ये किसान का मैंने जो सहबर का स्टेटस को ओपन किया है इनका अब तक सोलह नंबर का इंस्टॉलमेंट रिलीज हो चुका है और किसान सम्मान निधि योजना गाइडलाइंस के हिसाब से सोलह नंबर का इंस्टॉलमेंट अब तक जारी हुआ है अगर आपको अभी तक सोलह नंबर का इंस्टॉलमेंट नहीं मिला यानी कि इसमें पांच इंस्टॉलमेंट लिखा रहा है पासों इंस्टॉलमेंट आपका अकाउंट पर नहीं मिला तो आप